मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट पर इस बार सभी की निगाहें होंगी, क्योंकि यह मुकाबला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह और मालेगांव धमाके की आरोपी और बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा के बीच होने जा रहा है। ये मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प माना जा रहा है क्योंकि 16 साल बाद दिग्विजय मध्य प्रदेश की राजनीति के केंद्र में हैं और उनका मुकाबला उनकी धुर विरोधी साध्वी प्रज्ञा से होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की सहमति से साध्वी प्रज्ञा को भोपाल से टिकट दिया गया है। अमित शाह ने पलटवार करते हुए दिग्विजय सिंह को हिंदू आतंकवाद शब्द का जन्मदाता बताया। साथ ही अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर देश की सुरक्षा ना कर पाने का आरोप लगाया है। अमित शाह ने कहा, भाजपा ने तय किया है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भगवा आतंकवाद शब्द के जन्मदाता दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा जाए। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के उन नेताओं में से एक हैं जिन्होंने भगवा आतंकवाद के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। शायद यही वजह है कि साध्वी प्रज्ञा चुनावी बिसात पर दिग्विजय सिंह को चुनौती देना चाहती हैं। इस मुकाबले को 72 की उम्र के दिग्विजय सिंह के लिए आर पार की लड़ाई माना जा रहा है, तो वहीं साध्वी प्रज्ञा के लिए यह एक तरह से सियासत की शुरुआत है। लेकिन राजनीतिक पंडितों का कहना है कि दिग्विजय के लिए यह मुकाबला कहीं भारी न पड़ जाए, क्योंकि भोपाल लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ है और कांग्रेस 1984 के बाद से यहां पर जीत दर्ज नहीं कर सकी है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी है। महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को दिल दहला देने वाले बम धमाके हुए थे। उस धमाके में 7 लोगों की जान चली गई थी जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस धमाके के पीछे कट्टरपंथी हिंदू संगठनों का हाथ होने का आरोप लगा था। इसमें साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित का नाम सामने आया था। तभी दिग्विजय सिंह ने इसे भगवा आतंकवाद का नाम दिया था। फिलहाल मामला कोर्ट में चल रहा है और वो जमानत पर बाहर हैं। साध्वी प्रज्ञा भारती 2007 के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक सुनील जोशी हत्याकांड में भी आरोपित हैं, हालांकि कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। वहीं अगर बात दिग्विजय सिंह की जाए तो उन्होंने राज्य विधानसभा का अंतिम चुनाव साल 2003 में लड़ा था। उस चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद उन्होंने 10 साल तक कोई चुनाव न लड़ने का ऐलान किया था। इसी के चलते उन्होंने अब तक कोई चुनाव नहीं लड़ा। दिग्विजय सिंह वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 1.5 दशक के बाद कांग्रेस की वापसी हुई है और अब दिग्विजय सिंह भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। बहरहाल अब जबकि साध्वी प्रज्ञा को भाजपा ने भोपाल की कमान दे दी है, तो साफ हो गया है कि भोपाल का यह चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में ताज किसके सर पर सजता है।